एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक ने एक बड़ा खुलासा किया है। समीर वानखेड़े की मुस्लिम टोपी और एक निकाह कबूल करते हुए फोटो उन्होंने वायरल की है और साथ ही साथ निकाहनामा भी दिखाया है जिसमें समीर दाऊद वानखेड़े लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ आरोपों को लगातार लगाते जा रहे हैं। उन्होंने वानखेड़े के खिलाफ इसे एक बम बताया है और ऐसी तस्वीरें साझा की हैं जिसे झुठलाना समीर वानखेड़े और उनके परिवार के लिए मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। इन तस्वीरों में एक मुस्लिम टोपी पहने हुए समीर वानखेड़े बैठे हैं और साथ ही साथ उनका कबूलनामा है। वही तस्वीर में जो मौलाना नजर आ रहे हैं उनका नाम मौलाना मुजमिल अहमद है। उनका कहना है कि जिस वक्त ये निकाह पढ़ा गया था उस वक्त लड़का लड़की दोनों मुसलमान थे, अगर मुसलमान ना होते तो शरीयत के मुताबिक उनका निकाह नहीं पढ़ा जाता। ये तस्वीर 7 दिसंबर 2016 की बताई जा रही है और रात 8 बजे की है जब निकाह कबूल किया था समीर वानखेड़े ने। अब समीर वानखेड़े को समीर दाऊद वानखेड़े का पुख्ता सबूत नजर आ रहे हैं नवाब मलिक और इस पर सियासत तेज हो गई है।